हे हाय गाइस, ये वीडियो हमारे जितने भी एनआईएस डीएलएड के साथी है उनके लिए है, और जो एनसी केसेस के लिए जिनका सर्टिफिकेट नहीं आया है और जो एनआईएस के नोएडा ऑफिस पर पेंडिंग है एनसी सर्टिफिकेट, उससे जुड़ी हुई वीडियो है। लगातार पिछले मुझे लगता है कि लगभग महीनों से आप लोग ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हुआ, सर्टिफिकेट का क्या हुआ, और आपका पूछना भी लाजमी है। और कई लोगों मैंने कमेंट में रिप्लाई भी किया था कि अभी कोई अपडेट नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं, और ऐसे ही वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, जस्ट व्यूज के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि रिसेंटली पिछले 25 दिसंबर से लगातार हम भी टच में थे और कोशिश कर रहे थे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की, और क्या क्यों नहीं आए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि दिसंबर तक में मतलब आ जाएगी आपकी लेटेस्ट, मतलब उन्होंने तो बोला था पहले कि फेस्टिवल तक में ही आ जाएगी। तो फेस्टिवल हम दिवाली छठ मान के चल रहे थे, लेकिन फिर हमने अनुमान लगाया कि वो शायद, क्योंकि उन्होंने एश्योरेंस लेटर दे दिया था तो दिसंबर तक में वो दे देंगे, 31 दिसंबर तक मैंने पर्सनली ये टारगेट रखा था, लेकिन 31 दिसंबर तक भी नहीं आया। तो 25 से ही मैं क्वेरी कर रहा था अलग अलग जगह से, अलग अलग चीजों से। तो फाइनली उन लोगों का ऑफिशियली कोई भी डायरेक्ट जवाब नहीं मिला। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जो आपको बताया था कि हमारे एक साथी वहां पे गए हुए थे नोएडा ऑफिस में, और उन्होंने डायरेक्ट जो हमारे डायरेक्टर मैम है इवेल्युएशन की उनसे बात की थी, तो मैम ने डायरेक्ट कहा था कि अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिख के नया सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो नया सर्टिफिकेट बना कि नहीं बना, मतलब उनका प्रिंट होके आया कि नहीं आया, टेंडर जो दिया क्या, जो भी प्रोसेस है वो हुआ कि नहीं हुआ, इस पर कोई अपडेट नहीं मिल रही कि आगे वो प्रोसीड क्या करें। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि हम एक बार फिर से, एक्चुअली लास्ट वीक ही 1-2-3 जनवरी के एक समय में ही हम लोग कांटेक्ट करने की डायरेक्ट फिजिकली, क्योंकि अभी फोन पे या डायरेक्ट मतलब ऐसे मतलब राउंड एंड राउंड बात ही चलती है, तो हम लोग डायरेक्ट वहां पे पहुंच के बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो फर्स्ट वीक में ठंड की वजह से भी, टेम्परेचर की वजह से भी, और न्यू ईयर के इसके वजह से भी उन लोगों की ऑफिस सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, या मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पर उन लोगों ने मिलने के लिए बोला है, तो आपको बहुत जल्दी हम लोग ये नोटिस देंगे, क्योंकि हम लोग वहां जाके, हमारे साथी वहां जाके फिर से एक बार बात करने वाले हैं। 2-3 चीजों पर क्या बात होगी मैं आपको पहले से बता देता हूँ। जैसे कि मतलब जैसे कि एक हमारे साथी है जिनका की ज्वाइनिंग ऑलरेडी पेंडिंग है, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी तो उनकी ज्वाइनिंग एकदम कैंसिल हो जाएगी और उनका करियर में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो उनका सबसे पहला होगा कि भैया हमारा जो एनसी क्लियर वाला सर्टिफिकेट है वो दे दो, है ना, क्योंकि उन्होंने दी थी एक उस समय में जो भी नोएडा जा रहे थे ना प्रिंट सर्टिफिकेट लेके, तो उस पे वो स्टाम्प मार के भी ऑथराइज करके दे दे रहे थे, और बाद में एश्योरेंस लेटर भी दे दिया। तो एश्योरेंस लेटर में उन्होंने लिखा है मे बी कंसिडर करके कि आप कंसिडर कर सकते हैं, तो इस पर कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी उन्होंने एश्योरेंस लेटर दिया है बढ़िया जगह पे, सामान्य जगह पे कंसिडर हो जाता है, लेकिन बढ़िया जगह पे वो कंसिडर नहीं हो रहा है। और जो भी लोग नोएडा गए उनको स्टाम्प लगा के दिया, तो वो थोड़ा बहुत कुछ लेवल तक वेटिंग के लिए दे दिया गया, लेकिन फाइनल सर्टिफिकेट के बिना वो भी खत्म हो जाएगा। तो जो इनका पहला क्वेरी हमारा वहां पे रहेगा वो ये रहेगा कि आप पहले तो एनसी सर्टिफिकेट जितना जल्दी से जल्दी क्लियर करके हमको दे दीजिए, आपको जैसे भी देना है। लास्ट टाइम एक और चीज हुई थी जो शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था, लास्ट टाइम उन्होंने बोला था, जो हमारे साथी गए हुए थे पंजाब से, उनको उन्होंने बोला था कि आपको अगर चाहिए तो आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला जो ही जो प्रिंट किया हुआ पुराना वाला फॉर्मेट है, हम उसी में आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो वो लास्ट टाइम हमने मतलब एक तरह से कही है कि मिस्टेक किया कि उन नोएडा ऑफिस से उनको वही वाला ले लेना चाहिए था, MHRD वाला है, ताकि उनको उनके लिए उन्होंने चेंज किया है अभी, लेकिन सर्टिफिकेट तो मिल जाता। MHRD वैसे भी 2017-19 में MHRD ही चल रहा था, तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होती। पहले भी जो सर्टिफिकेट रिलीज हुआ वो MHRD का ही था, खैर जो भी थोड़ा प्लस माइनस ये भी है कि डेट जो रहता वो अभी का रहता, लेकिन काम चल जाता। तो अभी जो जाने वाले हैं उसमें पहला तो यही रहेगा कि हमारा एनसी सर्टिफिकेट क्लियर करके हमको हाथ में मार्कशीट दीजिए, या आप कब दे रहे हैं, क्योंकि हमारे साथी के पास ज्यादा समय है नहीं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि अगर आपका प्रिंटिंग प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है, तो अब आप हमको, क्योंकि आपने लास्ट टाइम कहा था कि MHRD वाला ही आप ले लीजिए, तो आप हमको MHRD वाला प्रिंटिंग पर ही दे दीजिए। तो ये उनका पर्सनल डिमांड रहेगा, क्योंकि वो अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट की वजह से भी जा रहे हैं और उनको ये चीज वहां पे चाहिए भी। समझ गए सब लोग? तो ये दो चीज मेन टारगेट रहेगा। तो इससे हमको ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए
अब ये तो संभव नहीं है कि हमारे भारत के गांव-गांव से कोने-कोने से लोग जाए दिल्ली, ये तो बेवकूफी वाली बात होगी। इतना पैसा खर्च करके इतना समय देके एक एक आदमी दिल्ली जाएगा, 15 लाख बच्चा, उसमें से अच्छा 3-4 लाख बच्चे का एनसी है, तो वो तो जाने से रहे, है ना, बच्चे मतलब शिक्षार्थी जो भी है हमारे, तो वो जाने से रहे, तो वो तो संभव भी नहीं है, और ये कैसे जाएंगे वो, तो इसलिए सब तो जा नहीं सकते हैं। लेकिन उनके साथ जो सिचुएशन होगा उस आधार पर हम आपको जरूर बताएंगे कि अब आपको आगे उनके तरफ से क्या अपडेट है, तो वो क्या बोलते हैं। पहली बात तो डायरेक्टर इवेल्युएशन से मिलने के लिए ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश करके वहां से मिलते हैं उनसे, और क्योंकि पहले आपका एक क्लर्कल लेवल होगा वहीं पर आपकी सॉर्ट आउट कर दी जाएगी, सबको मिलने भी नहीं दिया जाता है, तो जो भी चीज होगी वो हम आपको बताएंगे। और क्योंकि 31 दिसंबर का टारगेट मैंने आपको दिया था कि वो लोग देंगे, और अभी तक उन लोगों ने नहीं दिया और कोई अपडेट नहीं भी नहीं आई, तो हम लोग ये अगला स्टेप ले रहे हैं, यही चीज हम आपको इस वीडियो में बताना चाहते थे। पूरा बैकग्राउंड आप समझ गए होंगे, तो अब आगे जो है या तो आप एनसी सर्टिफिकेट निकालो, या तो आप MHRD वाला जो पुराना प्रिंटिंग है उसी पे दे दो, है ना, या आगे जो बच्चे वहां नहीं जा सकते वो क्या करें, उनको तो चाहिए कैसे भी करके, है ना। तो ये सभी चीजों में और भी एक केसेस है जिसमें कि जो भी बच्चों का 12th वेरिफिकेशन पेंडिंग रह गया था, तो हर चीजों पर बात करके हम वापस जो है अब इन लोगों को खोलने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो भी बचा कुचा प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट पर जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू वेरी मच। और भी कोई जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, तो 2-3 दिन से हमारे जो पंजाब के भाई साहब है परमिंदर भाई साहब सर, वो थोड़ा मतलब बहुत रेस्पेक्टेड है और बहुत मदद कर रहे हैं आप लोगों की, तो वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा वहां पे टेम्परेचर का इश्यूज आ रहा है कि लोग इधर उधर नहीं हो पा रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे, क्योंकि 25 दिसंबर से ही हम इस पे लगे हुए हैं कि अब इसको फिर से वापस ट्रैक पर आना चाहिए, क्योंकि वो अपने टाइम में फेल कर रहे हैं। हमारा भी है कि एक टाइम जो आपने मांगा टाइम दिया, अब उसमें आप फेल कर रहे हैं, तो उसमें आपको फिर अब नेक्स्ट तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का कैरियर भी है ना। मैं अभी हम एक दो को जानते हैं, हमारे लाखों बच्चे हैं जिनका कि कैरियर अटका हुआ है इसकी वजह से, तो उनको नींद नहीं आती, तो उस चीज का ध्यान देना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जैसा भी कुछ अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, तो आप लोग मेंटली रहिएगा, जैसे भी कुछ होगा जो भी होगा उस हिसाब से आपको जो भी सही अपडेट होगा हम देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।